गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास इन वर्कशीट नंबर फिफ्टी सेवन इन सर्कल्स पार्ट टू विल अंडरस्टैंड सम मोर टर्म्स अबाउट द सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स लेट अस डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स थ्योरम नंबर वन इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर किसी सर्कल में जो भी कॉर्ड्स इक्वल होंगे वो सेंटर पर इक्वल एंगल अपटेंड करेंगे देखिए जैसे हम एक गिवन है यहाँ पर एक ट्राइंगल एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है ओ और ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं ठीक है ये दो इक्वल कॉर्ड हो गए तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम इनको सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करना है तो हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल है तो अब यहाँ पर ये यह जो दो ट्राइंगल्स हैं अगर आप इनको कॉन्ग्रीट प्रूव कर दो तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल है ये भी इक्वल है सी पी सी टी से तो दो ट्राइंगल्स हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी और इसमें जो जो चीज़ें इक्वल है उसको हम लिखेंगे ओके अब आप बता सकते हो इसमें क्या क्या इक्वल है क्या हम बोल सकते हैं ओ ए ओ सी के इक्वल है ओ ए ओ सी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के रेडिया ऑफ द सर्कल रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाए रेडियस एक सिंगल के लिए बोलते हो और एस हटा दो तो ये आपका कैसे रेडियाई आ जाता है रेडियाई ऑफ द सर्कल ये प्लूरल है ठीक है दे आर द टू रेडियस तो टू रेडियस के लिए हम रेडियाई ऑफ अ सर्कल इसी तरह ओ बी इक्वल टू ओ डी हम लिख सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल सर्कल्स के जितने भी रेडियस है सब इक्वल होते हैं तो और इस तरीके से ए बी और सी डी तो आपको पहले से ही दिया है गिवन है कि दीज टू तो आर इक्वल इक्वल कॉर्ड्स तो आपको स्टार्टिंग में दिया था ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स हैं तो आप देख रहे हो ये भी एक साइड है ये भी एक साइड है ये भी एक साइड है तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्रा कॉन्ग्रेंट हो गए अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से इसका ये सेंटर वाला एंगल भी इक्वल हो गया बाई सी पी सी टी सो वी हैव प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर इसका कन्वर्स भी करेक्ट है अगर एंगल सब्टेंड सेंटर पर इक्वल हुआ तो कॉर्ड्स आर इक्वल अगर आप कहीं देखेंगे कि एंगल इक्वल आ रहा है तो वो कॉर्ड्स भी दोनों इक्वल ही होंगे यानी इफ एनी फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी देन वी कैन सी दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी ठीक है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर लिए थ्योरम नंबर टू देखिए यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर वन का हमने प्रूफ भी सीखा है ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है ये आपके थ्योरम्स में आ जाता है थ्योरम नंबर टू है जो हम विदाउट प्रूफ कर रहे हैं बस ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट हम ले रहे हैं द तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ये सर्कल है इसका सेंटर है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर यहाँ से जो परपेंडिकुलर बनाओगे इट विल बाई सेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाई सेक्स द कॉर्ड वो कॉर्ड को बाइसेकट करेगा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ठीक है अगर ए बी आपका कॉर्ड है और ये आपने परपेंडिकुलर यानी एंगल ओ एम ए नाइन्टी है ओ एम बी नाइन्टी है दोनों नाइन्टी होंगे तो हम बोलेंगे ए एम इक्वल टू बी एम यानी कॉर्ड बाइसेकट हुआ इसका कन्वर्स भी करेक्ट है यानी कि जब भी कभी एक लाइन ड्रॉ की जाए सेंटर ऑफ ए सर्कल से टू बाई सेक्ट द कॉर्ड ज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड अभी आपने कोई लाइन ड्रॉ करी जो उसको बाइसेक्ट करेगी तो वो परपेंडिकुलर होगी ठीक है फर्स्ट पार्ट आपका ये था जो मेन थ्योरम थी वो ये थी कि परपेंडिकुलर बनाएंगे तो बाइसेक्ट करेगा दूसरी चीज हमने पढ़ी सेंटर से कोई लाइन आ रही है और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी वो उसका कन्वर्स हो गया थ्योरम टू का नाउ लेट अस कम टू थ्योरम नंबर थ्री इन थ्योरम थ्री इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर अभी हमने पढ़ा था इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर अब हम पढ़ रहे हैं जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है यानी बराबर दूरी पे तो जैसे यहाँ पर एक कॉर्ड दिया है ए बी और सी डी ठीक है ये हमारा सेंटर हो गया तो अगर हम बोलते हैं ए बी और सी डी बराबर है तो ये ओ एम और ओ एन जो इनका डिस्टेंस है सेंटर से वो भी इक्वल होगा और इसका कन्वर्स भी करेक्ट होता है यानी कोई इक्वी डिस्टेंट है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे ठीक है सो हमने तीन थ्योरम्स यहाँ पर कर लिए एक तो एक थ्योरम यह है कि अगर हमने एक सर्कल बनाया उसमें कोई दो कॉर्ड्स हमने इक्वल बनाए तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स अपटेंड करेंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे दूसरी चीज़ आपने करी एक सर्कल बनाया और कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होंगे यानी ये डिस्टेंस बराबर होगा अगर ये चार है तो ये चार ये, ये थ्योरम नंबर थ्री है और थ्योरम नंबर टू आपने पढ़ी कि अगर कोई कॉर्ड आपने लिया और सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर बनाई जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी इसका कन्वर्स कर भी करेक्ट है इसका कन्वर्स कर भी करेक्ट है और इसका कन्वर्स कर भी करेक्ट है ठीक है अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर वन में इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल किसी सर्कल में अगर हम दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स लें मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर डायमीटर के साथ वो इक्वल एंगल बना रहे पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल जैसे आपने दिया कॉर्ड ए बी और सी डी आप देख रहे हो ये बाइसेकट कर रहे हैं कॉर्ड ए बी ये है और कॉर्ड सी डी है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेकटिंग पॉइंट से जो डायमीटर बनाया उसके साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं तो जैसे ये पी क्यू आपका डायमीटर हो गया तो इक्वल एंगल बन रहा है यानी एंगल ए ई क्यू और एंगल डी ई क्यू ये इक्वल आ रहे हैं ठीक है थीके? हमें गिवन है ए बी सी डी दो कॉर्ड से सेंटर ओ से पास कर रहा है और एक आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है पी क्यू इज़ द डायमीटर तो एंगल ए ई क्यू डी ई क्यू के इक्वल है ये चीज़ें आपको गिवन है आपको प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वल यानी ए बी सी डी दोनों इक्वल है इसके लिए आप क्या करोगे ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एल पर और ओ से एक परपेंडिकुलर बनाओगे एम पर यानी ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी ये दोनों बनाया अब आप ये दो छोटे ट्राइंगल्स लोगे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे कांग्रेट प्रूफ, प्रूफ करने से आपकी ओ एल साइड और ओ एम साइड दोनों बराबर आ जाएगी आप कॉन्ग्रेट अगर प्रूव हो जाएंगे वो तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो जो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से ये हमने पढ़ा जो इक्वी डिस्टेंट होते हैं वो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो हम इस चक्कर में है कि ओ एल और ओ एम को हम इक्वल प्रूव कर दें ठीक है अब इसको हम देखते हैं दो ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं एक तो आप देख रहे हो नाइन्टी बनाएं तो ये एंगल नाइन्टी है ये एंगल नाइन्टी है एक ओ ई आपका कॉमन है एक ये दो दो चीज़ें आ गई अच्छा अब आपका एक चीज़ और कॉमन है एंगल कौन सा एंगल आप ये देख रहे हो ए ई e, क्यू आपका और ये डी ई क्यू ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है ये भी कॉमन है ठीक है ए आपने देखा अब ये इन्होंने क्या करा है इन्होंने एल ई ओ और एम ई ओ करा है देखो एल ई ओ और एम ई ओ ये हमें गिवन है ये दो चीज़ें गिवन है कि डायमीटर के साथ इक्वल एंगल करें फिर दूसरा एंगल इन्होंने करा है एल ओ ई एल ओ ई ये वाला एंगल करा है अच्छा ये एंगल भी आपका ऑटोमेटिकली इक्वल है कैसे इक्वल है जैसे आपने ये सर्कल बनाया था और ये दो आपके वो बन गए थे ए बी और ये सी डी ठीक है ये आपने एंगल लिया ऐसे करके हाँ तो ये एल ओ एम लिया और ये देखो ये आपका एंगल ये ये डायमीटर जा रहा है ऐसे करके देखो अब आपने जब ये स्टार्टिंग में बोला था कि ए ई क्यू इसको भी नाम दे देते ए ई e, क्यू ये तो गिवन ही है अब आप ये देखो ये ये नाइन्टी है ठीक है ये एंगल आपको नाइन्टी दे रखा है ये भी नाइन्टी दे रखा है तो अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहती हूँ तो आप क्या लिख सकते हो वन एटी डिग्री होता है इसमें से ये नाइन्टी चला गया तो ये जो एंगल है एल ओ ई अगर मुझे ये एंगल देना है तो एक नाइन्टी आप निकाल दीजिए तो नाइन्टी माइनस एल ई ओ होगा वो आपका एंगल ये वाला एंगल मुझे लिखना है तो एल ई ओ क्योंकि इसको हटा दिया एक ट्रा के तीनों एंगल्स का एडिशन होता है वन उसमें से नाइन्टी चला गया ये वाला तो आपके पास सिर्फ नाइन्टी बचा अब तो नाइन्टी में से ये माइनस कर दोगे एल ई ओ तो आप ऑटोमेटिकली आप आपका ये एंगल आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं वन एटी माइनस नाइन्टी एल ई ओ नाइन्टी माइनस एल ई ओ ये लिख सकते हैं ठीक है अब आपको पता है ये एल ई ओ इक्वल है इसी तरह एम ई ओ भी इक्वल है तो इस एंगल को भी हम लिख सकते हैं ये एंगल लिखना चाहे एम ओ ई तो उसको भी हम नाइन्टी माइनस एम ई ओ लिख सकते हैं और एम ई ओ और एल ई ओ तो स्टार्टिंग में ये दो एंगल्स तो बराबर दे दिए थे देखो ये एंगल आपको शुरू में इक्वल दे रखा है कि डायमीटर के साथ इक्वल है ठीक है तो उस तरीके से हमने ऊपर वाला एंगल भी हम ए एस ए एस से रोल लगाना चाह रहे हैं तो दो एंगल्स के बीच में साइड ऐसे लेना चाह रहे हैं तो उस तरीके से एल ओ ई और एम ओ ये दोनों नाइन्टी माइनस एल ई ओ और ये आपको पता है ए ई e को बराबर है डी यू क्यू के देखो ये ए ई क्यू ये इक्वल है डी ई क्यू के स्टार्टिंग में आपको गिवन था तो इसकी जगह ये सब्सटीट्यूट किया और डी ई क्यू क्या है डी ई क्यू को आप एम ई क्यू भी लिख सकते हो क्योंकि वो उसका पार्टी है और आप इसको एम ओ ई लिख सकते हैं एम ई तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल और ई ओ यू कॉमन है तो अब ए एस से कॉन्ग्रेंसी रूल लग गया दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेन हो गए तो ओ एल ओ एम के इक्वल आ गया ओ एल ओ एम इक्वल है तो इसका मतलब ए बी सी डी भी इक्वल है बिकॉज कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ ठीक है अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कार्ड्स अगर दो इक्वल कार्ड्स स्टार्टिंग में आपको जो कॉर्ड्स दिए वो इक्वल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल में यानी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनसे जो सेगमेंट्स बने वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है तो ओके okay. हमारे पास ये सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है यहाँ पे ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं तो हमें प्रूव करना है इनका सेगमेंट इक्वल है तो सर्कल भी सेंटर ओ दिया है दो कॉर्ड्स ए बी सी डी है इंटरसेक्ट करें ई पॉइंट पे हमें प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू डी ई ये दोनों सेगमेंट इक्वल है इसी तरह सी ई इक्वल टू बी ई ये प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन करी हमने ओ एम बनाया परपेंडिकुलर नाइनटी ए बी के इसी तरह ओ एन बनाया सी डी के और हमने ओ ई e को ज्वाइन कर दिया अब आप प्रूफ में क्या करोगे ये दोनों ट्राइंगल लोगे ओ एम ई और ओ एन ई और इनको कॉन्ग्रेट प्रूफ करोगे कांग्रेट प्रूफ करने के लिए एक तो तुम्हारे पास नाइन्टी है दोनों एंगल्स ओ एम ओ एन दोनों दे रखे हैं तुम्हें नाइन्टी ड्रॉप करा है आपने ठीक है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हम ये बोल सकते हैं सो ओ ई ओ ई आपका कॉमन है तो अब आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका आर एच एस रूल लग गया आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेट हैं ठीक है थीके? आपने ये ओ एम एन ये नाइन्टी डिग्री भी प्रूफ करा है तो ये आर एच एस लग गया हाँ और ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि हमने बोला कॉर्ड्स इक्वल हैं कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उनकी दूरी बराबर होगी इसलिए हमने रीजन दिया इक्वल कॉर्ड्स इक्वल फ्रॉम द सेंटर तो ये नाइन्टी भी है ये इक्वल भी है ये कॉमन भी है तो ये कौन सा रूल होगा आर एच एस रूल से दोनों कांग्रेन हो गए अब जब दोनों कांग्रेट हो गए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एम ई इज इक्वल टू एन ई है सी पी सी टी से इक्वल आ गया ये दोनों आपके इक्वल हैं तो अब हम ये भी बोल सकते हैं इसमें ए एम और डी एन दोनों जगह हमने ऐड किया ए एम प्लस एम ई इज़ इक्वल टू डी एन प्लस एन ई क्यूँ हमने ए एम और डी एन क्यूँ ऐड किया क्योंकि ए एम और डी एन दोनों बराबर है कैसे बिकॉज ए एम इज हाफ ऑफ ए बी एंड इट इज़ हाफ ऑफ सी डी ठीक है ए बी सी डी आपको स्टार्टिंग से ही गिवन है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे ठीक है सो ए ई इक्वल टू डी ई आपका इस तरीके से आ गया ए एम प्लस एम ई क्या है ए एम प्लस एम ई आया आपका ए ई e. ठीक है ये सेंटर से जो लाइन जा रही है सेंटर से जो लाइन जा रही है और जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी ना उस हिसाब से ए एम और एम ई आपके इक्वल है तो ए एम प्लस एम ई इसी तरह से यहाँ पर ये जो लाइन सेंटर से जा रही है वो इसको बाइसेक्ट करेगी तो ई एन इक्वल टू एन डी आपकी इक्वल है ये आपने ऐड कर दिया सो ए ई आपका डी ई का इक्वल आ गया अब आप क्या करोगे ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई ए ई इक्वल टू डी ई एक पोर्शन हो गया अब आप फुल ए बी में से अगर ए ई माइनस करते हो ये हाफ ऑफ द पोर्शन आपका सॉल्व हो गया आपने ये कर दिया इतना प्रूफ कर दिया अब आप आपको ये करना है तो आप फुल लेंथ में से ए बी में से ए ई माइनस कर दो और सी डी में से डी ई e आप कर सकते हो क्योंकि ए बी सी डी दोनों आपको स्टार्टिंग में इक्वल दिए उन दोनों में से इसको माइनस करोगे दोनों जगह से हम इक्वल माइनस कर सकते हैं ना तो आपके पास आ जाएगा बी ई इक्वल टू सी ई यही आपको प्रूफ करना था यही आपको प्रूफ करना था ठीक है सो तो आपने क्या किया दो कॉर्ड्स थे वो बाइसेक्ट कर रहे थे आपने कंस्ट्रक्शन करी नाइन्टी की और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया आर एच एस से उसके बाद आपने क्या किया आपने सी पी सी टी से आपने एम ई और ई एन को प्रूफ कर दिया उसके बाद आपने यहाँ पर ए ई और डी ई को प्रूफ कर दिया फिर आपने फुल में से ए और डी ई को सब करके सी और बी ई को प्रूफ कर दिया ठीक है ये थ्री स्टेप्स में काम हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास एक सर्कल दिया है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओ है और ये ए बी सी डी पॉइंट पर एक लाइन जा रही है यहाँ से सर्कल को चार पॉइंट्स पे टच कर रही है आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी तो इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन करी आपने ओ एम बनाया परपेंडिकुलर टू बी सी आपने ओ एम बनाया ये परपेंडिकुलर बनाया बी सी के ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी तो अब प्रूफ हम कर रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाई सिक्स द कॉर्ड उस हिसाब से ए एम इक्वल टू सी डी होना चाहिए ए एम इक्वल टू डी एम अगर हम ये देखें ये बड़े वाले सर्कल के हिसाब से देखोगे सेंटर से लाइन आ रही है तो ए एम एक पार्ट हुआ कॉर्ड का और दूसरा पार्ट हुआ एम डी वो दोनों इक्वल होंगे छोटा वाला सर्कल लोगे तो बी एम इक्वल टू सी एम और दोनों में रीज़न वही है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाई सिक्स द कॉर्ड ठीक है इस सर्कल के लिए ये कॉर्ड हो गया बी सी या बाई सेक्टोर है बी एम सी एम बराबर है बड़े वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड हो गया ए डी तो ये कॉर्ड का हाफ पोर्शन ये हाफ पोर्शन ये ये दोनों बराबर है अब तुम इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस करने से ए एम ए से बी एम ए गया तो हमारे पास क्या बचा ए बी और यहाँ पर माइनस करने से हमारे पास बचा सी डी सो ए बी इक्वल टू सी डी हमने प्रूफ करना था दिस इज प्रूफ ठीक है हो गया ना सो so, सारे क्वेश्चन अच्छे थे इसके अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और ये जो एग्जाम्पल में दिया गया है दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो इनको रिवाइज कर लो दो तीन बार देख लो जोमेट्री का पोर्शन थोड़ा दो तीन बार देख के कुछ स्टेप्स को हम मेमोराइज़ कर सकते हैं कि इस पर ये ये स्टेप लग सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर मिलते हैं टिल देन टेक केयर बाय बाय